और बल्ला बल्ला पाजी, और मैं तो निकला और गड्डी ले के और रास्ते पे और सड़क पे एक मोड़ आया। अरे ये गाय तो डॉक्टरनी मैडम है, चलो देखते हैं कहाँ जाना चाहती है ये। अरे नमस्कार डॉक्टरनी मैडम, काहे के लिए अकेले खड़ी हैं, कहीं छोड़ दे का? अरे हाँ रितिक, मैं तो ऑटो ही देख रही थी। अच्छा हुआ जब तुम चले आए। हाँ तो बताइए ना डॉक्टरनी मैडम, कहाँ छोड़ दे, हम और हमरा गाड़ी 24 घंटा सेवा में उपलब्ध रहते हैं। चलिए आप बैठ जाइए, हम छोड़ देंगे आपको। हाँ ठीक है। वैसे मैडम आपने बताया नहीं हम कहाँ छोड़े आपको। अरे वो क्लोफ्टे वाले क्लिनिक से छोड़ दो। हाँ ठीक है डॉक्टरनी मैडम, आप आराम से बैठिए और हमारे गाने का मजा लीजिए। और मैं निकला गड्डी लेके और रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, देखिए डॉक्टर ने जी क्लिनिक भी आया। अरे वाह रितिक, तुम तो कमाल के सिंगर हो। अब क्या बताएं मैडम जी, अपने मुंह से अपना कैसन तारीफ करेंगे। अरे नहीं, बहुत अच्छा गाते हो, बताओ कितने पैसे हुए। अरे आपने हमारा गाना सुन लिया, अब आपसे पैसा लेने का मन नहीं कर रहा मैडम जी, लेकिन क्या करे, सेठ जी को हिसाब किताब देना पड़ता है ना। 20 रुपया दे दीजिए। हाँ ठीक है, ये लो तुम्हारे 20 रुपए। अरे धन्यवाद डॉक्टर जी। चलो हमारा आज का शिफ्ट तो खत्म हो गया, पैसा भी ठीक ठाक मिल गया, अब चलते हैं, चल के ऑटो को जमा करके घर जाएंगे। सो हे गाइस, क्या हाल है, पेश आप लोग के लिए एक ऑटो ड्राइवर की कमाल की स्टोरी जिसका नाम है वक्त सबका बदलता है। स्टोरी सच में कमाल की है, स्टोरी जरूर पूरा देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थोड़ा सा प्यार भाई को इंस्टाग्राम में भी दिखा दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अरे एक बात तो हम भूल ही गए थे, कल हमारे गर्लफ्रेंड का बर्थडे है यार, उसे तो अच्छा गिफ्ट देना पड़ेगा। गिफ्ट लेने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, चल के सेठ जी को सुलटाते हैं। अभी का सेठ जी तो सामने ही खड़े हैं, कहा बोले अभी ने। अरे क्या हो गया ऋतिक बेटा, आज तुमने गाड़ी बड़े जल्दी खड़ा कर दिया। अरे नहीं सेठ जी, आप घड़ी देख लीजिए, हमारा समय हो गया है सेठ जी, शिफ्ट खत्म इसलिए गाड़ी खड़ा कर दिए। अच्छा मानना पड़ेगा बेटा, काम बहुत अच्छा करते हो तुम, समय के बड़े पाबंद हो। धन्यवाद सेठ जी, मगर एक ठुक काम था हमारे को आपसे, थोड़ी किन पैसा चाहिए था सेठ जी। अच्छा पैसा चाहिए, वो तो हम तुम्हें दे देंगे, पर पहले बताओ तो सही काम क्या है। अबे आपका बोले। अरे का बताए सेठ जी, एक ठुक दुखद समाचार आ गया है। सुबह सुबह हमारे दूर के मौसी की नाना का बेटा का चाचा का बाबू का तबीयत खराब है सेठ जी, उसके लिए पैसा मंगाए हैं गांव में, थोड़ा पैसा भेजवा देते तो ठीक होता ना सेठ जी। अरे बाप रे, लगता है बहुत बड़ा परिवार है तुम्हारा। खैर एक बात बताओ, आज दिन भर गाड़ी चलाने से तुम्हें कितना पैसा मिला। पैसा वो तो अभी आपको देने ही वाले थे सेठ जी, आज दिन भर का 700 रुपया बना है सेठ जी। हाँ तो एक काम करो, वो पैसा को तुम रख लो, अगर कम पड़े तो कल सुबह और पैसा ले लेना हमसे। अरे भारी मेहरबानी सेठ जी, ये पैसा तो कम पड़ने वाला था ही, हम कल आपसे वो पैसा ले लेंगे। अभी हम चलते हैं सेठ जी, हमको भारी थकावट महसूस हो रहा है। हाँ ठीक है ऋतिक बेटा, जाओ जरूरत पड़े तो कल ले लेना पैसा। अरे वाह, हमारा मामला तो गजब सेट हो गया, कल तो बहुत जोरदार हैप्पी बर्थडे बनाएंगे। अरे ये क्या पापा, आपका ड्राइवर कहाँ ले गया? आपको पता है ना मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, लेट हो जाऊंगी फिर मैडम बहुत चिल्लाती है, और देख लेना इस बार तो मैं सीधा आपका ही नाम लूंगी। अरे बेटा थोड़ा तो इंतजार कर लो, उसके गांव में किसी का तबीयत खराब हो गया है, इसलिए शायद उसे आने में देर हो रहा होगा, आ ही जाएगा, ज्यादा परेशान मत हो बेटा तुम। क्या तो इसका मतलब उसने आपसे कुछ पैसे भी मांगे होंगे है ना? हाँ बेटा थोड़े पैसे मांगे उसने, मैंने दे दिया। मतलब उसने आपको फिर उल्लू बना दिया, आपको नहीं पता क्या, आज उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, उसने उसी के लिए पैसे मांगे हैं, उसके गांव में किसी की तबीयत खराब नहीं है, वो आपको हर बार उल्लू बना देता है। आज तो बड़े धूमधाम से मनाऊंगा मैं अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे। अरे ये क्या, सेठ जी यही खड़े हैं। ये देखो पापा आ गया बरखुदार, देख लो कितना सज धज के आया है। अरे अरे क्या हो गया मैडम जी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या सेठ जी? अरे नहीं कुछ खास नहीं थी बेटा, बस हमारी बिटिया को ट्यूशन जाने के लिए थोड़ा लेट हो रहा है, इसलिए गुस्सा कर रही है, जाओ जाके जल्दी छोड़ दो इसे इसके ट्यूशन। अच्छा तो यही बात है, हम तो डरे ही गए थे। चलिए दीदी जी आप गाड़ी में बैठ जाइए, हम आपको छोड़ दिए देते हैं ट्यूशन। चलिए सेठ जी शाम को मुलाकात होगी पैसों के साथ। हाँ ठीक है, संभल के जाना और इसे ट्यूशन छोड़ देना जल्दी। अरे लीजिए दीदी जी, आप तो खामा खाई परेशान हो रही थी, देखिए हमने कितना जल्दी पहुंचा दिया आपको आपके ट्यूशन। हाँ वो तो
तो है, अब जाओ और जाके सपना जी का बर्थडे पार्टी बनाओ। अरे ये का दीदी जी, आपको तो सब ही पता है, कहीं आपने सेठ जी को तो नहीं बता दिया? हाँ मैंने उन्हें भी बता दिया है, अब जब तुम घर जाओगे ना तो तुम्हारी क्लास लेंगे, फिलहाल तो मेरी क्लास है, जा रही हूँ बाय। धक तेरे की, चलो कोई ना, सेठ जी से शाम को निपट लेंगे, अभी जाके हमारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाते हैं। यार आज तुम्हारा बर्थडे है ना, आई लव यू। अबे ईका, ये किसके साथ खड़ी है हमारी गर्लफ्रेंड? अबे ओ ऑटो, किसको गर्लफ्रेंड बोल रहा है, औकात में रह के बात कर, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ओ तो ऋतिक तुम हो यार, देखो आखिर मैं कब तक तुम जैसे गरीब के साथ रहती, और वैसे भी तुम्हारी औकात नहीं है मुझे अफोर्ड करने की। यार ये क्या बोल रही हो, मजाक कर रही हो ना? देखो यार ऐसा मजाक ना करो, तुम्हारा बर्थडे बनाने के लिए सब काम धाम छोड़ के आया हूँ मैं। यार क्या बर्थडे बनाओगे तुम मेरा, तुम्हारी औकात ही क्या है, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास और क्या काम धाम की बात कर रहे हो तुम? ये ऑटो चलाना कोई काम है? जितना तुम महीने में कमाते हो ना उतना मेरा ये नया बॉयफ्रेंड एक दिन में कमा लेता है। यार ये क्या बात हुई, क्या तुम पैसों को प्यार से तौल दोगी? ये भले ही कितना भी पैसा कमा ले पर मेरे जितना प्यार नहीं करता होगा तुमसे। अबे ओ ऑटो, कौन से जमाने में जी रहा है बे तू, ये नया टाइम है, आज के जमाने में जिसके जेब में पैसा सब उसका, जिसके पास पैसे नहीं उसका कुछ नहीं, तू भी उन्हीं में से है, भिखारी कहीं के, सपना देखना छोड़ और निकल यहाँ से। यार मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ और तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ के रख दिया। अपनी औकात से बाहर लड़की देखोगे ना तो ऐसा ही होगा ऋतिक तुम्हारे साथ, अब अपना रोना धोना बंद करो और अपनी औकात की लड़की देखो, चलो हम चलते हैं राहुल यहाँ से। एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर क्या गलती थी इस दीवाने की, बस चाहत थी तुम्हें अपना बनाने की। आखिर क्या गलती थी इस दीवाने की, बस चाहत थी तुम्हें अपना बनाने की। अगर पैसों से नहीं तोला होता तुमने मेरा प्यार, तो तुम्हें कोई वजह ही नहीं मिलती मुझे छोड़ के जाने की। अरे ये क्या ऋतिक, आज पहली बार तुमने गाड़ी इस साइड पार्क किया है और तुम गाड़ी से थोड़ा आगे भी चले गए थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज? ध्यान नहीं सेठ जी, आज तो दिल टूट गया मेरा, उसने सिर्फ पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया, वो कहती है कि मैं गरीब हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। ऐसी बात नहीं है ऋतिक, सच्चाई तो ये है कि उसकी औकात नहीं होगी तुम्हें पाने की, इसलिए तो तुम जैसे हीरे को नहीं पहचान पाई। पर सेठ जी ऐसे हीरे का भी क्या मतलब, जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है। नहीं ऋतिक बेटा ऐसी बात नहीं है, वो लड़की ही ना समझ है जो तुम्हें नहीं समझ पाई, और जो लोग पैसों के सामने प्यार की अहमियत नहीं रखते उन लोगों को जिंदगी में रखने का कोई मतलब नहीं है, उनका जिंदगी से चले जाना ही बेहतर होता है बेटा। नहीं सेठ जी आप समझ नहीं रहे, मैंने उससे प्यार किया है, बेसुमार प्यार, और उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ मजाक, बहुत तकलीफ हो रहा है सेठ जी। देखो ऋतिक बेटा ये जिंदगी का वो सबब है जो सीखना बहुत जरूरी है, तुम इसे तकलीफ के तौर पे मत देखो, तुम इसे एक सबब के तौर पे देखो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा इसमें। पर वो क्या सेठ जी? बेटा उसने तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए छोड़ा है ना, तो दिखा दो खुद को कि तुम्हारे सामने पैसों की कोई औकात नहीं है, उस लड़की ने तुम्हें ठुकरा कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। हाँ हाँ सेठ जी मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे होगा सेठ जी? मेहनत से, क्योंकि बेटा इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं, तो करो मेहनत और बदल दो अपनी औकात और खुद को दिखाओ कि कौन हो तुम। हाँ सेठ जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी बात मुझे समझ आ गई सेठ जी, अब बस आप देखते जाइए सेठ जी कि मैं क्या करता हूँ। हाँ बेटा जरूर, अब दिखाऊंगा मैं खुद को खुद की औकात। अरे यार सपना क्या कर रही हो, जरा मेरी बात तो सुनो। अरे कुछ नहीं राहुल, बस कपड़े जमा रही थी, बोलो क्या हो गया, क्यों आवाज लगा रहे थे? अरे यार तुम तो जानती ही हो पिछले साल से हमारी कंपनी कितनी लॉस में जा रही थी, हम सब तो रोड में आ जाते, लेकिन किसी भले आदमी ने हमारी कंपनी खरीद ली है और अब हम सबकी नौकरियां भी बच गई है, तो बस उसके स्वागत के लिए हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है, चलोगी क्या? अरे हाँ जरूर चलूंगी, शादी के पहले तुम कितना घुमाने लेकर जाते थे और शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, अभी मौका मिला है जरूर चलूंगी। अरे लॉस में था ना यार इसलिए नहीं ले गया, अब प्रॉफिट का मौका बना है, चलो ले चलता हूँ तुम्हें, चलो आ जाओ मेरे साथ। हाँ चलिए। चलो आज हम भी देख लेंगे आखिर कौन है वो भला आदमी जिसने हम लोग के लिए इतना कुछ कर दिया,
अगर वो नहीं होता ना तो हम तो रोड में ही आ जाते यार। अरे क्या भाई, नए बॉस दिख नहीं रहे, अभी तक आए नहीं है क्या? अरे आ गए हैं भाई, थोड़ी देर पहले ही आए हैं, शायद फ्रेश हो रहे होंगे। भाई पर कुछ भी बोलो यार, नए बॉस ना बहुत अच्छे आदमी हैं, वरना हम लोग तो रोड पे ही आ गए थे। जैसे ही हमारी कंपनी लॉस में थी ना, हमारे पास तक कुछ नहीं बचता भाई, भीख मांगने की नौबत आती, लेकिन उन्होंने बचा लिया यार। अरे नहीं भाई, सिर्फ बचाया ही नहीं, हम लोग को दबा के प्रॉफिट भी तो दिया उन्होंने। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कहा तूने, बहुत प्रॉफिट दिया है उन्होंने। अबे ये क्या, ये कौन आया? अबे ये तो राहुल है, साथ में भाभी जी को बुलाया है। अबे क्या बे राहुल, आने में काफी देर लगा दिया बे तूने। अबे क्यों बे, क्या बात कर रहा है, बॉस चले गए क्या? अबे नहीं नहीं रे, इतना भी देर नहीं हुआ है। और भाभी जी सब बढ़िया? अरे हाँ भैया सब ठीक है, आप बताइए आपके क्या हाल चाल है? अरे ज्यादा नहीं भाभी जी, हम सबके भी वही हाल है जो आपके पति के हैं। नए बॉस के आ जाने से हम सबको बराबर का प्रॉफिट हुआ है, हम सब फायदे में हैं फिलहाल तो। अरे लगता है बॉस आ रहे हैं। अभी राहुल देख देख, बॉस आ गए बे। अभी देखो देखो बॉस आ रहे हैं बॉस। अरे गुड मॉर्निंग बॉस, स्वागत है बॉस आपका। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई बॉस, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। अगर आप नहीं होते तो हम सब रोड पे आ जाते। हम सभी की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया है बॉस। अबे अबे ये क्या, तुम तो वही ऑटो वाले हो ना? ठीक पहचाना, मैं वही ऑटो वाला हूँ जिसके औकाफ एक दिन तुम दोनों ने गजब मजाक उड़ाया था, और लो आज फिर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब अगर तुम्हारी औकात है तो उड़ा के दिखाओ मेरे औकात का मजाक। अरे नहीं रितिक, मुझे और मेरे पति को माफ कर दो रितिक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई रितिक, हमें माफ कर दो। माफ करना मोहतरमा, पर क्या करें, सबको मिलता है उनका कर्मा, और लो मैं खुद कह रहा हूँ उड़ा लो मेरा मजाक। अब तो कम से कम मत शर्मा। नहीं सर नहीं, माफ कर दो सर, मुझे नौकरी से मत निकालना सर। क्या, एक मिनट, क्या मतलब कि नहीं निकालना? लगता है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बताया नहीं कि इस कंपनी से तुम्हारा पत्ता तो पहले ही कट चुका है। अरे नहीं सर नहीं, माफ कर दो सर। अरे नहीं नहीं रितिक नहीं, हमें माफ कर दो रितिक, प्लीज माफ कर दो। माफ नहीं मैं डायरेक्ट करूंगा साफ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, उठ और अपना रास्ता नाप। सो यार गाइस, इसे ही कहते हैं कर्मा, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। यार गाइस होपफुली आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। यार गाइस अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो और थोड़ा सा प्यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी दिखा दो। तो चलो फिर मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ।